तेलंगाना के अंदर। ये पुलिस हमेशा आपके साथ रहती है, आपसे मोहब्बत से रहती है और हमेशा आपकी जो तकलीफ है वो दूर करती है। लोग पुलिस को देखते ही डरते थे पहले। साबिका में जब भी पुलिस किसी घर जाती है तो लोगों को डर शुरू हो जाता था, अरे पुलिस आई भाई क्या बात है। पर जब आज पुलिस को देखते हैं, इनके ड्रेस को देखते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है और आपको सुकून होता है कि चलो हमारी पुलिस आ चुकी है और हमें सपोर्ट किया जाए। तो इसीलिए मैं करताल के अंदर जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है उसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे डीजी साहब और कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और इंस्पेक्टर साहब, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के और ख़ास तौर से मीडिया भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मीडिया होता है वो हमेशा मीडिएटर का काम करता है। जो हमारी स्टेट का डेवलपमेंट है, जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट फ्रेंडली काम कर रही है और मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक मैसेज पहुँचाए। तो मैं तमाम भाइयों का जो यहाँ इस प्रोग्राम में जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने पब्लिक्स हैं, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुबह सुबह प्रोग्राम रखा गया क्योंकि कई एक प्रोग्राम थे जिसकी वजह से मैं जयपाल साहब से कहा साहब सुबह ही प्रोग्राम कर लेंगे और बहुत डायनेमिक MLA साहब है आपके, आपसे उम्मीद भी रखता हूँ, इनके साथ बड़ी मोहब्बत से रहें, इनके लिए आप समझते हैं कि आने वाला टाइम जो होता है हमेशा आपकी साथ की ज़रूरत है और ये भी आपके साथ हमेशा काम करते रहेंगे। और इंडिया में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह इस तेलंगाना को तरक्की दिलाया है, मैं समझता हूँ वो मिसाल हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। आज हर शोबे में मैं CM साहब के साथ हमेशा रहता।